मसाला बनाने की रेसिपी बताएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है और टमाटो का पेस्ट, नमक, पिस्ता पाउडर, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लेमन जूस, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कबाब चीनी पाउडर, रेड फूड कलर, और ये स्लाइस की हुई प्याज है, और धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। गैस पैन में ऑयल डालेंगे और प्याज भी डालेंगे। प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक हम रखेंगे इसमें। अब ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और 2 मिनट तक हम ऐसे ही भून लेंगे। और इसमें हम रेड फूड कलर भी डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे ही 2 मिनट तक भून लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हमको चिकन भुने में। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, काली मिर्ची पाउडर भी डालेंगे इसमें हम, कबाब चीनी पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पुदीना डालेंगे और कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम चिकन को अच्छा गलने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। दस से 15 मिनट हो गए और ये चिकन भी अच्छे से गल गया। अब हम इसमें ये जो टमाटो प्यूरी है वो डालेंगे। फिर से हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये जो टमाटोज में का जो पानी निकलेगा वो भी अब हमको सुखाना है। अब ये चिकन भी गल गया और ये पूरा पानी सूख गया अब इसमें का। अब हम इसमें पिस्ता पाउडर डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, सॉल्ट, अब हम फिर से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। ये चिकन मसाला तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।